सभी भक्तों को प्रणाम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विजयादशमी की कथा। विजयादशमी दशहरा पूजन की संपन्नता के लिए विजयादशमी की कथा का बहुत अधिक महत्व है। बिना विजयादशमी कथा पढ़े दशहरा पूजन संपन्न नहीं माना जाता। विजयादशमी या दशहरा का पर्व आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस पर्व को भगवती के विजया नाम पर विजयादशमी कहते हैं। इस दिन भगवान रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए भी इस पर्व को विजयादशमी कहा जाता है। ऐसा मानना है कि आश्विन शुक्ल की दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। यह काल सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है। बंगाल में यह उत्सव दुर्गा पर्व के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देश के कोने कोने में इस पर्व से कुछ दिन पहले ही रामलीलाएं शुरू हो जाती हैं। सूर्यास्त होते ही रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। दुर्गा पूजन, अपराजिता पूजन, विजय प्रमाण, शमी पूजन तथा नवरात्र पारण, दुर्गा विसर्जन इस पर्व के महान कर्म हैं। क्षत्रियों का यह बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन, क्षत्रिय शास्त्र पूजन तथा वैश्य बही पूजन करते हैं, इसीलिए यह राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं विजयादशमी की कथा। एक बार पार्वती जी ने शिवजी से दशहरे के त्योहार के फल के बारे में पूछा। शिवजी ने उत्तर दिया, आश्विन शुक्ल दशमी को सायकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। भगवान रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई करके रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन का गांडीव नामक धनुष धारण किया था। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा रामचंद्र जी ने कब और कैसी प्रिय वाणी कही थी, सो कृपा कर मुझे समझाइए। शिव जी ने जवाब दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित करके 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष यदि उनका पता लग जाएगा तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था तथा स्वयं ब्रहन्नला के वेश में राजा विराट के पास नौकरी की थी। जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। विजय काल में शमी पूजन इसलिए होता है। एक बार युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि विजयादशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों को सजाना चाहिए। उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके दूसरे राजा की सीमा में प्रवेश करना चाहिए तथा वहां वास्तु पूजा करके अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण मारना चाहिए तथा पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र का निरीक्षण करना चाहिए। जो राजा इस विधि से विजय प्राप्त करता है, वही सदा अपने लिए शत्रु पर विजय प्राप्त करता है।